द्रास में कामयाबी के बीच एक पर्वत सवालों का पहाड़ बना हुआ था। टाइगर हिल को पाकिस्तान ने अपने कब्जे में कुछ ऐसे ले रखा था कि डेढ़ महीने की कोशिशें बौनी पड़ गई थी, लेकिन 3 जुलाई को जो कार्रवाई भारतीय सेना ने शुरू की वो कुछ अलग ही थी। तीन जुलाई की शाम से आर्टिलरी फायर ने टाइगर हिल को लगातार निशाना बनाया और उसकी आड़ में 8 सिख और 18 ग्रेनेडियर्स चोटी की ओर बढ़ने लगे। गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से भी हो रही थी ताकि भारतीय जवान आगे ना बढ़ पाएं। सिखों पर जिम्मेदारी थी कि वो चढ़ाई को महफूज करें और ग्रेनेडियर्स पर चोटी हासिल करने का जिम्मा था। टाइगर हिल जिसने देखा है वो बहुत ही मुश्किल ऑब्जेक्टिव था, और एक तरफ में हमारी 8 सिख बैठी हुई थी एक रिज के ऊपर, और पीछे वाली जो रिज लाइंस थी उस पे पाकिस्तान की जो पाकिस्तान ने के जो फौज थी उसने इन्फिल्ट्रेट किया था, और पीछे की तरफ से वो रिज पीछे की रिज लाइन से वो टाइगर हिल ऑक्यूपाई कर लिया था उन्होंने। तीन जुलाई 1999 टाइगर हिल द्रास। उस रोज घने बादल छाए हुए थे। ग्रेनेडियर्स की घातक प्लाटून की अगुवाई लेफ्टिनेंट बलवान कर रहे थे। नायब सूबेदार योगेंद्र सिंह यादव सबसे आगे चढ़ाई कर रहे थे। वो रस्सी फेंकते, टेस्ट करते, ऊपर पहुंचते, फिर बाकी जवान आगे बढ़ते। ईस्ट की तरफ एक बहुत ही मुश्किल चट्टान थी जिसके ऊपर से हमने सबसे पहले प्लान किया कि 18 ग्रेनेडियर्स की कमांडो प्लाटून को पहले भेजेंगे और सबसे ऊपर की जो चोटी है टाइगर हिल की उसको कब्जा करेंगे, और उसके बाद जितनी भी रिज लाइंस पाकिस्तान के कब्जे में हैं उनको क्लियर करेंगे। प्लाटून ने बमुश्किल आधी ऊंचाई नापी थी कि अचानक हवा के एक झोंके ने बादलों को उड़ा दिया। भारतीय सैनिक दुश्मन को साफ साफ नजर आने लगे। दुश्मन की मशीन गन ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। लेफ्टिनेंट बलवान बुरी तरह जख्मी हो गए। ग्रेनेडियर यादव को भी हाथ में गोली लगी, लेकिन उन्होंने चढ़ाई जारी रखी। चोटी से महज 60 मीटर पहले एक और मशीन गन ने अपना मुंह खोला। ग्रेनेडियर यादव को 5 गोलियां लगी, वो निढाल से हुए। फिर अपनी बेल्ट निकालकर हाथ पर बांधी, कभी बंदूक तो कभी अपने हाथों से दुश्मन को मौत के घाट उतारने लगे। उन्होंने अपने दम पर 3 में से 2 बंकर नष्ट कर दिए। इतनी देर में दूसरे फ्लैंक से और भारतीय जवान भी चोटी पर पहुंच चुके थे। पाकिस्तानियों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। 25 चले थे, 25 में से 7 ऊपर आए, और 7 में से मैं जिंदा हूं तो मैं भी आखिरी दम तक अपने स्टॉक्स को पूरा करूंगा, और ऊपर वाले से दुआ करें कि मुझे इतने जिंदा रख दे कि मैं नीचे वाले तक सूचना दे दूं कि तुम्हारे ऊपर हमला होने वाला है। शायद उसने सुन ली, चुपचाप पड़ा रहा। जहां पर मैं पड़ा हुआ था वहां से एक छोटा सा रिज नीचे की तरफ जा रहा था। बोला, बेटा इस नाले से लुढ़क जा। ऐसी आवाज मुझे सुनाई दी, मैं नीचे की तरफ लुढ़कता चला गया। जब लुढ़कता जब काफी नीचे पहुंचा था नाले के अंदर एकदम गड्ढा, मैं एक हाथ से पत्थर पकड़ के लटका हुआ था। तो मेरा तब एकदम देखा गया, तू पाकिस्तान की तरफ तो नहीं आ गया।
मैंने नीचे की तरफ अपनी निगाह घुमाई तो लगा जो अपने साथी थे वापस विड्रॉल होकर के एमएमजी पोस्ट की तरफ जा रहे थे। सिखों ने कुछ और चतुराई दिखाई। बाकी हथियारों के साथ साथ उनके पास एक अनोखा हथियार था, मेगाफोन। वो जहां से चढ़ाई कर रहे थे वहां दुश्मनों की संख्या बहुत ज्यादा थी, इसलिए चढ़ते चढ़ते वो मेगाफोन पर बोले जा रहे थे, जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। चट्टानों से टकराकर लौटती आवाज को सुनकर पाकिस्तानी सैनिक बौखला गए। उन्हें लगा कि हिंदुस्तानी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, लेकिन वो कहां से आ रहे हैं, किस दिशा से आ रहे हैं, ये अंदाजा वो नहीं लगा पाए। पाकिस्तानियों ने रीइंफोर्समेंट मंगाए और दक्षिणी और पश्चिमी फ्लैंक से धावा बोलने के लिए नीचे उतरे। तब जाकर उन्हें समझ में आया कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया है। अब भी आखिरी पड़ाव से 50 मीटर की दूरी थी, गोलियों के बीच चलना मुश्किल था, जब ग्रेनेडियर्स की ओर से फिर आर्टिलरी फायर की गुहार लगाई गई। शेलिंग के बीच अपनी जिंदगी पर भी खतरा था, लेकिन कोई दूसरा चारा भी तो नहीं था। आर्टिलरी के साथ वायुसेना के विमान भी अपनी जांबाजी दिखा रहे थे। गोलीबारी की जद में आने के खतरे के बावजूद भारतीय मिराज विमान बेहद नीची उड़ान भर रहे थे, दुश्मन के ठिकानों को ढूंढ ढूंढ कर बम बरसा रहे थे। वहां पहाड़ इतने ऊंचे थे, टारगेट बहुत छोटा था, हवा 50-100 नॉट की रफ्तार से चलती थी, तो जो भी आप गिराएंगे उसको तो हवा का बहुत फर्क पड़ता था, टेम्परेचर का फर्क पड़ता था, तो ये नहीं पता था कि कहाँ कहाँ जाके गिरेगा। पर वायुसेना ने ये सारा इनोवेशन करके, सारी ट्रायल्स करके, और फिर जब बम्बार्डमेंट की थी वो बहुत एक्यूरेट थी। गोला बारूद अपनों और परायों का फर्क नहीं जानते, हिंदुस्तानी बमबारी और तोपों से अपने ही सैनिकों की जान को भी उतना ही बड़ा खतरा था, लेकिन जान हथेली पर लेकर जांबाज आगे बढ़ते रहे। बिल्कुल नजदीक पहुंचकर आर्टिलरी फायर बंद करने के निर्देश दिए और फिर टाइगर टॉप पर जो तांडव हुआ उससे तो पाकिस्तानी बस अपनी जान बचाकर भागते दिखे। टाइगर हिल ऐसी जगह थी जो पाकिस्तान के फोर्सेस ने ऑक्यूपाई किया था, जहां पे जो NH-1A, ये नेशनल हाईवे 1A है, वो श्रीनगर से जारी थी लेह की तरफ, और अगर वो वहाँ रह जाते तो आगे के लिए हमारे फोर्सेस के लिए और हमारे देश के लिए बड़ी मुसीबत होती, क्योंकि हम वो जो हाईवे है उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए ये जो टाइगर हिल था इसको लेना वापस बहुत ज़रूरी था। चार जुलाई की सुबह 5:25 पर टाइगर हिल वापस हिंदुस्तान का हो चुका था, लेकिन बाकी पहाड़ियों से अलग ये रुतबे की लड़ाई थी, इसलिए पाकिस्तान बार बार काउंटर अटैक करता रहा और भारतीय सेना यहां चैन से नहीं बैठ सकी। एक बार नहीं, उसने 2-3 बार काउंटर अटैक किया, पर हमने उसका जवाबी हमला भी किया, और जितनी भी हमने रिज लाइन या एरिया कैप्चर किया था टाइगर हिल में वो हमने अपने कब्जे में रखा। इसी दिन नवाज शरीफ बीवी बच्चों समेत अमेरिका पहुंच चुके थे। उनके चेहरे पर यह डर साफ झलक रहा था कि अगर बातचीत से कोई हल ना निकला तो वो घर वापस जाने की हालत में नहीं होंगे। लेकिन मामला सिर्फ नवाज शरीफ के नियंत्रण में होता तो बात बनती, परवेज मुशर्रफ की योजना अलग ही थी, मोर्चों पर भीषण युद्ध।
चलता रहा। मुशर्रफ अल्टीमेटली उन्होंने नवाज शरीफ को कहा कि हाँ आप जाइए, वाशिंगटन जाइए, क्लिंटन से मिलिए 4 जुलाई को, और हम अब सीज फायर के लिए भी तैयार हैं, फोर्सेस भी विड्रॉ करने के लिए तैयार हैं। तो ये जो कहा जाता है कि मुशर्रफ के हाथ ही में सब कुछ था, ये ज़रूर ठीक है जहाँ तक घुसपैठिए भेजने वाली बात थी, शुरुआत मुशर्रफ ने की थी, पर उसके बाद वो नवाज शरीफ को हमेशा कॉन्फिडेंस में लेते रहे। नवाज शरीफ इसमें पूरे हिस्सेदार थे। अगर हम ये समझें कि इस कारगिल युद्ध में नवाज शरीफ का कोई रोल नहीं था, जहाँ तक हमें जानकारी थी इस्लामाबाद में उनको 2 बार ब्रीफिंग किया गया, पहली बार रावलपिंडी में फौज के हेडक्वार्टर्स में, दूसरी बार वो खुद जब गए इस कार्डू को जहाँ से संघर्ष हो रहा था, जहाँ से वो फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरिया जो इसके कमांडर थे वहाँ बसे थे। तो स्पष्ट ये है कि उनके पास जानकारी थी, और मेरे कुछ पाकिस्तानी दोस्तों ने मुझे ये भी बताया कि वो इतने इच्छुक थे इसके कि जब वो स्कार्डू गए तो पूछा, जब आप चोटी पहुंचते हैं क्या आपको श्रीनगर की बत्तियां दिखाई देंगी? ना सिर्फ अमरीका बल्कि रूस भी पाकिस्तान के रुख से असहमत था। उसके मुताबिक ही पाक को एलओसी का सम्मान करना चाहिए था। पाकिस्तान ने जब चीन से समर्थन लेने की कोशिश की तो वहां से भी शांति का फरमान आया। अपने ही खेल में पाकिस्तान हर ओर से घिर चुका था। एक तरफ कूटनीति के मोर्चे पर पाकिस्तान को मात मिल रही थी और दूसरी तरफ हिंदुस्तानी सेना उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रही थी। जंग तो पाकिस्तानी सेना भी लड़ रही थी और वो भी बेहतर हथियारों और तैयारी के साथ, लेकिन उनके इरादे नापाक थे। हिंदुस्तान की लड़ाई उसूलों की थी और उसूलों की लड़ाई बहुत शक्ति देती है।